हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार HLV डिजिटल क्लासेस में। आप दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग आज आपके लिए फिर से एक क्लास, ज़बरदस्त क्लास लेकर के आए हैं। पूरे 6 नंबर वाली क्लास है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो है आपका जो पहला सवाल है, आपको 2 समीकरण दिया गया है, इनको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, आप पिछले मेरे कई वीडियोस ऐसे हो चुके हैं जिनमें समीकरण हैं, तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में सवाल मिलने वाले हैं वो 2 चरकारहित समीकरण, द्विघात समीकरण, मेंसुरेशन एंड सांख्यिकी और त्रिकोणमिति, इन ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आपका 6 नंबर का सवाल बिल्कुल 100% बनता ही है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। इसमें कैसे होता है ये सवाल सॉल्व करना, कैसे होता है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। आपको 2 समीकरण दिया गया है, 3/x प्लस 2/y बराबर 11, 4/x माइनस 5/y बराबर में 7, ठीक है? यहाँ पर देखिए, जो x का गुणांक है, 1/x का जो गुणांक है वो 3 है, यहाँ 1/y का गुणांक जो है वो 2 है। यहाँ पर एक बात और आप ध्यान रखिए, यहाँ जो y का पद है 5/y और 2/y, ये आपस में प्लस और माइनस में है। हम लोग जनरली उन्हीं पदों को बराबर करते हैं जो प्लस और माइनस में हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही है तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार बैलेंस कर लेते हैं। देखिए, जैसे अभी आपके पास में एक समीकरण दिया हो 2x प्लस 3y बराबर में 15, और एक तरफ दिया हो 3x प्लस 4y बराबर में 19, ऐसे दिया है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो y का गुणांक है वह भी बराबर नहीं है, 3 है, इसका गुणांक 4 है, और जो x का है वो भी बराबर नहीं है, और दोनों के दोनों इसमें भी प्लस है, दोनों के दोनों इसमें भी प्लस है, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पर, आप चाहे x के गुणांक को बराबर करिए, चाहे y के गुणांक को बराबर करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको काम उतना ही करना पड़ेगा, काम उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ 2x प्लस में 3y बराबर में 15 दिया है और 3x माइनस में 4y बराबर में 8 दिया है, अब आप यहाँ पर देखिए, जो y का गुणांक है 3 और y का गुणांक जो है 4, y का जो पद है वो एक पद है प्लस का और एक पद है माइनस का। ऐसी कंडीशन पर हम लोग जनरली उन्हीं पदों को बराबर करते हैं जो प्लस और माइनस में दिए। यहाँ x के जो पद हैं दोनों समीकरणों में वो प्लस प्लस के दिए हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं, y के पद यहाँ प्लस और माइनस में है, तो हम लोग इसी पद को बराबर कर लेते हैं पहले। तो हम लोग इसमें भी y का जो पद है उसी को बराबर करेंगे। इसका मतलब इसको आप बना लीजिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 यहाँ है, यहाँ 5 है, दोनों का आपको गुणांक बराबर करना है। तो समीकरण 1 को आप किससे गुणा करा दीजिए, इस 5 से, 1 को 5 से, तथा समीकरण 2 को किससे गुणा करा दीजिए, इस गुणांक से, यानी 2 से गुणा करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लस और माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? अगर प्लस प्लस वाले को बराबर करते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, तब वो कैंसिल होते हैं। इसको आप किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से, तो 5 × 3 = 15/x प्लस 5 × 2 = 10/y बराबर में 11/55, ठीक? ये समीकरण हो गई। चलिए, एक समीकरण ये हो गई। अभी इसको किससे गुणा कर रहे हैं, आपने क्या लिखा, 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 × 4 = 8/x और माइनस 2 × 5 = 10/y बराबर में 7 × 2 = 14। इसको आप जोड़ रहे हैं, 10/y प्लस का है, 10/y माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये 15/x है, ये 8/x है, ये
15 बटे एक्स है और प्लस का 8 बटे एक्स है, सामने आपका 55 और 14 ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा। तो 55 में 14 को जोड़ना है तो 55 10 65 और 65 में 4 जोड़े तो 69। इधर x आपका जो एलसीएम है ऊपर x एलसीएम दोनों में है, x x है तो 15 और 8 सीधे जुड़ जाएगा, 15 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 23, 15 8 23 बराबर में 69, ठीक है, बटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा 69 x बराबर में 23 और x बराबर 23 बटे 69, 23 एकम 23, 23 तिया 69, ठीक है। इस तरह x बराबर 1 बटे 3, 20 तिया 60 और 3 तरीका 9, x बराबर 1 बटे 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी आपकी 3 और बटे में x का मान कितना है 1 बटे 3 प्लस 2 बटे y बराबर में 11। अब देखिए यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक, तो ये जो 3 है ये घूम के पहुँच जाएगा 3 के पास, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 बटे 1 प्लस 2 बटे y बराबर में 11, ठीक। अब इधर आप एलसीएम लेंगे y, तो ये y और 9 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 9y प्लस 2 बराबर में 11 बटे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 11 से y का हो गया तो 11y बराबर में 9y का एक से हुआ 9y प्लस में 2 का 1 से हुआ तो 2, 9y को इधर आप पक्षांतर कर लीजिए, 11y माइनस में 9y बराबर में क्या बचा 2, 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2y बराबर में 2, y बराबर 2 बटे 2, इस तरह से कैंसिल होकर के y बराबर कितना हो गया 1, अतः x बराबर 1 बटे 3 और y बराबर 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आप चेक कर सकते हैं y का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 2 बटा 1 में 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, इसको आप चेक कर लीजिए यहाँ से कैसे। देखिए x का वैल्यू कितना आया है 1 बटे 3, तो 3 तिया 9 प्लस 2 और y का वैल्यू कितना है 1, तो 2 का 2 और 9 में 2 जोड़े तो 11, ठीक है दोस्तों, क्लियर। आप सवाल को ध्यान से समझते रहिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। आपका अगला सवाल है हाइट और डिस्टेंस से, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक बार देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है और वहीं से दूसरी बार देखा जा रहा है तो अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ से देखा जा रहा है, एक मंदिर है, चलिए एक मंदिर हम लोग बना लेते हैं, एक मंदिर को बना लेते हैं ऐसे, एक मंदिर हो गया, इसकी हाइट कितनी बताया गया है 15 मीटर, ठीक। अब मंदिर के जब शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर एक भवन बना है, देखिए हाइट और डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो वो है फिगर का, अगर आप फिगर सही से बना पाए हैं तो उसके बाद सवाल लगाना 80% तक आसान हो जाता है, ठीक है। फिगर नहीं बना पाएंगे तब सवाल आप लगभग मानिए आप नहीं लगा पाएंगे। 15 मीटर किसकी ऊंचाई है, वो मंदिर की ऊंचाई है 15 मीटर, फिर दूसरी सड़क के दूसरी तरफ एक भवन बना है, उसको आप कितना यहाँ से बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे वो आप देखिए इसी में दिया होता है। दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कहाँ से, मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को देखा गया और उन्नयन कोण बना, इसका मतलब
इसका मतलब इस मंदिर के शीर्ष से जब हम ऊपर की ओर देखेंगे, मतलब वो भवन कहीं ना कहीं मंदिर से ऊंचा है। ठीक ऐसे यहाँ से मंदिर भवन के शीर्ष को देखा गया तो उन्नयन कोण कितना बना? 30 अंश। उन्नयन कोण बना बेटा 30 अंश। और यहीं से देखा गया भवन के पाद को, अवनमन कोण बना ऐसे, ये कितना बना है? 45 अंश। ये 45 अंश बना है तो यह भी 45 अंश ही होगा। ये 15 मीटर है तो यहां से यहां तक 15 मीटर की हाइट ये भी लिए रहेगा। इसकी दूरी x मीटर मान लेते हैं, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग h मीटर मान सकते हैं, मान लेते हैं h मीटर। ठीक है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई, भवन कौन है? यह मंदिर है और ये भवन है। भवन की ऊंचाई को आपको सिद्ध करना है कि 5 3+√3 मीटर होगी भवन की हाइट। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसका नाम लिख लेते हैं। ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये वाला ई हो गया। देखिए ये एक्स मीटर है तो ये भी आपका बी सी जो है वो भी एक्स मीटर ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई नहीं, इसमें लोग भवन की ऊंचाई को नहीं माने हैं, माना ए बी बराबर एच मीटर, माना ए बी बराबर एच मीटर, और आपको और क्या माने हैं? ई डी बराबर, ई डी बराबर एक्स मीटर, ये दोनों आप मान लिए हैं। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है सी ई, ई सी बराबर 15 मीटर आपको दिया गया है, इसलिए जो ई सी है वह बी डी के बराबर होगा और बी डी बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक, अब त्रिभुज ए, त्रिभुज सी ई डी में, त्रिभुज सी ई डी में ये एक त्रिभुज ले लेते हैं सी ई डी, तो इसमें यहाँ पर एंगल बन रहा है 45, ये लंब, ये आधार, तो लंब और आधार किस में होता है? टैन में। टैन 45 बराबर, टैन में क्या होता है? ई सी बटे ई डी, और ई सी का जो वैल्यू है वो है कितना? 15, बटे ई डी का वैल्यू कितना है? एक्स। टैन 45 का वैल्यू क्या होता है बेटा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से एक्स बराबर हमको मिल गया 15 मीटर। ठीक, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए। पुनः त्रिभुज सी ई, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें टैन 30, टैन 30 बराबर में एच बटे बी सी, और बी सी का वैल्यू क्या है? एक्स है। टैन 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में एच बटे एक्स। एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान कितना है? 15 है, तो 1/√3 बराबर में एच अपान में 15। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो एच रूट थ्री बराबर में 15, या एच बराबर 15 बटे में इसके √3, √3 का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 15√3 और बटे में √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 1 3 3 5 15, तो इस तरह से h बराबर आपके पास आ गया 5√3 मीटर। ठीक, 5√3
3 मीटर। आपको सिद्ध करना है भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई केवल h जो है वो भवन की ऊंचाई नहीं है, भवन तो आपका a और d है। तो भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर h प्लस 15। h यहाँ से यहाँ तक का h है और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है। दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा पूरा भवन हमारा पता चल जाएगा कितना ऊंचा है। h का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं हम लोग, 5√3 और प्लस में 15। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 कामन है, क्या बचा, √3 प्लस 5 × 3 = 15 यानी कि 3। सिद्ध क्या करना था, इतना ही आपको सिद्ध करना था, 5 और 3 आप आगे लिख सकते हैं, √3 पीछे लिख सकते हैं, दोनों प्लस के ही हैं। इतना मीटर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया कि भवन की ऊंचाई इतनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप सवाल को नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो आपका मेंसुरेशन से दिया गया है। यह भी सवाल आपका 6 नंबर में पूछा गया है पिछले वर्षों में। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसमें भी बेटा फिगर बहुत अहम रोल प्ले करता है, फिगर बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोला, अर्धगोला आप जान रहे हैं ऐसा होता है, अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला ऐसा होता है, ठीक। इस पर क्या बना है, एक शंकु का आकार है जो एक समान आधार के त्रिसमान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर, ये अर्धगोला हो गया और इसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक है दोस्तों। और आपको बोला गया है कि इन शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान है, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, ये h है, माना, चलो इसको सॉल्व करते हैं, माना शंकु की, माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या वह भी r ही रहेगी, क्यों, क्योंकि बोला गया है त्रिज्या जो है वो शंकु की और अर्धगोले की वो बराबर है, ठीक। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसको L, शंकु की ऊंचाई ये H ऐसा मान लेते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है, जो अर्धगोला है और जो शंकु है इन दोनों का वक्र पृष्ठ समान है, मतलब जो पाई आर एल, अर्ध शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ठीक है, ये बराबर है किसके, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास क्या बचा, एल बराबर 2 और 1 आर, एल बराबर 2 आर, ठीक है, एक समीकरण हो गई। अब हम लोग चलते हैं शंकु के साथ। हम लोग को शंकु में पता होता है, हमको निकालना है जो अनुपात वो किसका, त्रिज्या और ऊंचाई का, किसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और शंकु की ही ऊंचाई, इसका अनुपात हमें पता करना है, ठीक है। तथा हमको क्या पता है,
त्रिज्या और ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई का एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा रिलेशन होता है त्रिज्या ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई का। यहाँ से हमें पता है कि एच इसका कितना है, ऊंचाई को हमने एच माना है, ठीक है, तो यहाँ पर एच का एच हो गया स्क्वायर प्लस आर को आर लिखेंगे उसका भी स्क्वायर, लेकिन एल का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं 2R, तो एल की जगह पर कितना लिख सकते हैं 2R इसका स्क्वायर, ठीक है। अब 2R स्क्वायर इसका स्क्वायर करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और R का स्क्वायर R, जिस R स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो माइनस का R स्क्वायर, सामने बचेगा आपका H स्क्वायर, 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कितना बचेगा 3R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। दोनों पक्षों में जब वर्गमूल लेते हैं तो R स्क्वायर है तो R बाहर निकल जाएगा और 3 जो है वो रूट में रह जाएगा H, H बराबर कितना हो गया R रूट 3, यह समीकरण आपकी 2 हो गई। अब त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, शंकु की त्रिज्या बटे शंकु की ऊंचाई, इसी त्रिज्या और ऊंचाई में आपको अनुपात बताना है। देखिए नाम पहला त्रिज्या का लिखा है इसलिए त्रिज्या ऊपर रहेगी, ऊंचाई बाद में है तो ऊंचाई नीचे रहेगी, इसका भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। शंकु की त्रिज्या कितनी होती है R जो आप माने हैं, और शंकु की ऊंचाई H, H होती है और H का वैल्यू आप निकाल के लाए हैं R रूट 3, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इस प्रकार से आपको मिला शंकु की त्रिज्या कितनी है R अनुपात शंकु की ऊंचाई H बराबर में 1/√3, ये R और H का अनुपात हो गया, यही आपका आंसर है। यही आपसे पूछा जा रहा था कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात बताइए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।